तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी को देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसका ड्राइवर बचा या नहीं बचा। तो इस ड्राइवर इसके गाड़ी के ड्राइवर के साथ में क्या हुआ, इसे जानने के लिए आप वीडियो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और इसका केबिन आप पहले देख लीजिए, जो कि पूरा ही बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और बड़ा ही अजीब तरीके का एक्सीडेंट हुआ था इनके साथ में। पहले तो आप इसकी टंकी वंकी देखिए, सब पिचक गई है। ऊपर का हिस्सा देखिए कि यहाँ पर ड्राइवर की क्या हालत हुई होगी, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन ड्राइवर अभी हमारे पास में है और उसे कितनी चोट लगी, क्या हुआ उसके साथ में, वो हम सभी कुछ आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। आप वीडियो को कम्प्लीट देखिए, पहले आप गाड़ी की हालत देख लीजिए। नीचे से पूरी गाड़ी जो है, पूरा हिस्सा जो नीचे का वो गायब हो गया है और ऊपर का हिस्सा जो है वो भी बिल्कुल बुरी तरीके से गायब हो चुका है। अभी ये गाड़ी क्रेन में खड़ी हुई है, ड्राइवर भी यहीं पर इसका साथ में आया है और उससे भी हमने बात करी है और उस सुनवाएंगे कि उसने क्या बताया, कैसे वो बचा, क्या हुआ था, हर एक चीज़ ड्राइवर जो है वो आपको बताएगा। बस आपको वीडियो कम्प्लीट देखना है और देखिए कि गाड़ी पीछे से बिल्कुल सही सलामत है और जो इसकी लेफ़्ट साइड है यानी कि उस साइड में, वो भी बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन आगे का हिस्सा जो ड्राइवर साइड है वो बहुत ही बुरी तरीके से लड़ी है गाड़ी। और इसे देख करके तो मुझे पहले यही लगा कि शायद इसका ड्राइवर जो है वो बचा नहीं होगा, लेकिन इसका ड्राइवर यहाँ पे मौजूद है और अभी हम उससे बात करेंगे चल के और सुनवाएंगे कि कैसे बचा वो। ये गाड़ी पलटी भी नहीं है कहीं, लेकिन पलटी है या नहीं पलटी ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसका केबिन जो ऊपर का हिस्सा किस हिसाब से डैमेज हुआ है वो नहीं पता चल पा रहा है। और बहुत ही देर में सोचता भी रहा कि किस तरीके से डैमेज हुआ है। देखिए इस साइड से भी गाड़ी बिल्कुल टनाटन लग रही है देखने में। और ये गाड़ी अभी अभी आई है यहाँ पर खींच के, उसका ड्राइवर भी संग में आया, तो चलिए आपको ड्राइवर की जुबानी जो है सुनवाते हैं चल के। हाँ, तो चोट बिल्कुल नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया लगी हमारे चोट वोट। अच्छा, तो आप दोबारा गाड़ी चलाने का इरादा है या नहीं है? हाँ, गाड़ी तो चलाएंगे, बच्चों को पेट पालने आए तो चलानी है हमको। अब हम भाई अब करेंगे क्या, मजबूरी मेरे आगे। हाँ सही बात है बिल्कुल। लेकिन यार गाड़ी तुम्हारी जिस हिसाब से डैमेज हुई है उसे देख करके तो लगता है कि मतलब जो है कि इसमें ड्राइवर बचा ही नहीं होगा। क्या करें भाई साहब, अब जान कूद के देनी पड़ती है बच्चों को देखने भालने के लिए, अपनी जान बचानी पड़ती है। हाँ तो अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये किस्मत तुम्हारी बहुत तेज़ थी जो मतलब इतनी, इसका केबिन तो बिल्कुल गायब हो गया लेकिन फिर भी देखो तुम सही सलामत बैठे हो, जो ऊपर वाले का करिश्मा है एक तरीके से। तो अब जो है मतलब जो गाड़ी तुम्हारी केबिन इतनी बुरी तरीके से लड़ा है उसे देख कर तो नहीं लग रहा कि मतलब जो है तुम्हारे, ऐसा लग रहा कि बहुत ज़्यादा चोट पेट लग गई होगी ड्राइवर के? क्या बताएं आप, हमें बचाने को पड़े अपने लिए। तुम्हें ऊपर वाले ने बचा लिया? हाँ, ऊपर वाले की इच्छा थी तो बच गए हम। अच्छा अच्छा, चलो यार ये भी एक अच्छा है। चलो लेकिन गाड़ी चलाना, लेकिन अब तो क्या दारू रू पिए हुए थे? नहीं, दारू नहीं। दारू तो पीते नहीं तुम शायद? कभी नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और कुछ पैसे तो चाहिए तुमको? नहीं, चलो ठीक है ठीक है।